मैं इस वक्त हूँ जीरो लाइन पे, ये केरन का इलाका है, मुनियन गांव में मैं इस वक्त हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे कम्युनिटी बैंकर बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जब भी यहाँ पे शेलिंग हो रही है, जब भी सिर पर वायलेशन हो रही है, तब लोगों को छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती है जहाँ पे वो अपनी जान बचा सके। यहाँ पे इस वक्त आरएमबी डिपार्टमेंट ये बंकर बना रहे हैं ताकि शेलिंग होने के खर्चे में लोग अपनी जान बचा सकेंगे। मगर यहाँ पे लोगों की यह डिमांड है कि कम्युनिटी बैंकर के बजाय अगर इंडिविजुअल बैंकर हर घर को दिए जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि घर दूर दूर बने हुए हैं, जिसकी वजह से जब भी शेलिंग होती है, अगर वो दौड़ी बैंकरों की ओर दौड़ेंगे तो उनकी जान को ज्यादा ही खतरा है। फायदा तो कम्युनिटी बैंकर का भी है, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि इंडिविजुअल बैंकर होने चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा एक मकान जो है वो लगभग 50-50 गज के फासले पे दूसरा मकान आता है। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे कलस गांव है, बनी गांव है, मंडिया गांव है, नागा गांव है, तो वो कहाँ इधर जो है कम्युनिटी बैंकर में, कम्युनिटी बैंकर किसी मुख्तसर जगह पे बनाए हैं तो वो मतलब जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। हमारी डिमांड है आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि जो है यहाँ पे इंडिविजुअल बैंकर दिए जाए। पिछली दफा शेलंग से मकान भी हुए ओपन में, गाँव जाते आप देखोगे लास्ट गाँव पड़ता है, इधर से जाते लास्ट पड़ता है, हालांकि वो इस जद में नहीं है, बॉर्डर पर नहीं है। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर, कितने 8 किलोमीटर है यहाँ से बॉर्डर। वहाँ जब उनके गोले आकर लगे, मकानों को भी नुकसान हुआ, काफ़ी उन लोगों की तबाही हुई। अब देखो हम फ्रंट वाले, जब हमको नहीं दिया ये बैंकर, अगर हर घर को कम पैसा दें जनाब, लोग ये बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि हमें वो इतना पैसा दें और जितना लगेगा वो हम खुद खर्च करेंगे, ताकि हर घर में अगर बन जाए सबसे अच्छा। मैं हूँ पीर अजहर, लाइन ऑफ कंट्रोल, केरन कुपवारा से, कश्मीर अनहोल्ड के लिए।